गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई नो राइट नाउ वेडिंग सीजन चल रहा है, मुझे भी एक वेडिंग अटेंड करनी है जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मेरा आउटफिट रेडी है, बड़े सुंदर वाला येलो कलर का आउटफिट है, वीडियो के एंड में देखना आपको अच्छा लगेगा। स्किन केयर, ज्वेलरी, मेकअप, एवरीथिंग सब कुछ मेरा रेडी है, लेकिन इनका क्या कर रही है? बिल्कुल भी रेडी नहीं है। मेरे बाल इतने डल नजर आ रहे हैं और लुक एट दिस बोरिंग कलर, और बीच बीच में ना मतलब ग्रे हेयर्स भी हैं। कैन यू सी, ये देखो यहाँ पे एक सिल्वर थोड़ा सा यू नो ऐसे ग्रे हेयर पे, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। आई नीड टू फिक्स देम। एंड थोड़ा सा यार कलर चेंज करते ही ना मेकओवर सा हो जाता है, तो मैं सोच रही थी कुछ अच्छा सा कलर करती हूँ। मैं बाहर नहीं जा रही, एक तो ना मेरे पास टाइम है, दूसरा बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है यार, आने जाने में भी टाइम लग जाता है। मैं खुद घर पे ही हेयर कलर करने वाली, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करती हूँ वीडियो, ताकि आपको भी ना थोड़ी सी वीडियो हेल्पफुल हो जाएगी। अगर आप खुद घर पे अपना कलर करना चाहते हो तो आप कलर कर सकते हैं, थोड़ा सा मेकओवर भी मिल जाता है। मैं गाइस यूज करने वाली हूँ यहाँ पे गार्नियर कलर नेचुरल्स अल्ट्रा कलर। मेरा जो शेड है वो है 7.3 गोल्डन ब्राउन। गार्नियर कलर नेचुरल्स में मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगती है कि इनमें ना आपको बहुत ही अच्छा क्वर्की फन कलर शेड रेंज आपको मिल जाती है, तो आप अपने अकॉर्डिंग शेड को चूज कर सकते हो। एंड बहुत ज्यादा ना इंटेंस कलर पे ऑफ देता है, जो 10 वीक्स तक लास्ट भी करता है। बेस्ट चीज पता है क्या? अमोनिया बिल्कुल भी नहीं, और बालों को ना एकदम बहुत अच्छी तरह से नरिश भी कर देता है। एंड हां जी, ये जो कलर होता है ना वो डार्क हेयर्स के ऊपर विजिबल भी होता है, मतलब दिखता भी है। चीज है गाइस, जब भी मुझे कोई नया हेयर कलर करना होता है मैं बड़ी कंफ्यूज सी हो जाती हूँ कि मैं कौन सा कलर करूं, कौन सा कलर ट्राई करूं, पता नहीं करने के बाद अच्छा लगेगा मेरे ऊपर या नहीं अच्छा लगेगा। आई ऑलवेज गेट कंफ्यूज। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है ना कि कलर आपको चूज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, समझ में नहीं आते, यू गेट कंफ्यूज, तो गाइस गार्नियर ने एक कलर मैच टूल निकाला है। ओ माई गॉड, मैंने जब उसको ट्राई किया मुझे बहुत पसंद आया। साइड बाय साइड आप मेरी क्लिप देख सकते हो कि मैंने ना तीन शेड्स को ट्राई किया था। एक था मेरा ये गोल्डन ब्राउन गार्नियर वाला, जो मैंने फाइनली इसको चूज किया। एक मैंने रेसबेरी रेड ट्राई किया था, एक मैंने प्लम रेड ट्राई किया था। एंड वेरी इजी, आप अपने सेल्फी कैमरा के साथ ना कोई भी फोटो वगैरह खींच लो, एंड आपने जस्ट उस फोटो को अपलोड करना है, आप कलर को चूज कर सकते हैं। एक और चीज बेस्ट पार्ट पता क्या थी इसमें? वी कैन डिवाइड द स्क्रीन कि अभी कैसा कलर है और करने के बाद कैसा कलर हो जाएगा, या फुल भी हम देख सकते हैं। मतलब वेरी हेल्पिंग टूल था, मुझे बहुत पसंद आया। तो आप इस टूल को भी यूज कर सकते हो आपको कलर डिसाइड करने के लिए। फाइनली गाइज मैंने डिसाइड किया कि मैं शेड 7.3 यूज करूंगी गोल्डन ब्राउन। आपको मैं एक बार दिखा देती हूँ बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या मिलता है। एक आपको कलरेंट मिलता है, डेवलपर मिलता है, साथ में आपको दो ग्लव्स मिलते हैं, आपको पोस्ट कलर केयर कंडीशनर मिलता है, साथ में आपको इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिलता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लूंगी गाइज कलरेंट, एक बाउल में मैं इसको सारा जितना है ना वो सब निकाल लूंगी। एंड इसी बाउल में ना गाइस मैं डेवलपर ऐड करूंगी, 1:1 रेशियो होना चाहिए। और ये जो बाउल है ना गाइस, ये नॉन मेटेलिक बाउल होना चाहिए। अब ग्लास का बाउल भी ले सकते हो या फिर प्लास्टिक का भी ले सकते हो, अच्छी तरह से आप इसको मिक्स कर लो। अच्छा गाइस, मैंने ना 24 आवर्स पहले ना पैच टेस्ट ले लिया था, तो आप लोग भी ना पैच टेस्ट ऐसे जरूर ले लेना। अच्छा, अब बारी आती है कलर अप्लाई करने की। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगी, पेट्रोलियम जेली अप्लाई करूँगी अपने पूरे फोरहेड के ऊपर, एंड साइड ऑफ द जहाँ पे फेस होता है या फिर ईयर के ऊपर, कान के ऊपर भी ना हल्का हल्का से, ताकि उसके ऊपर कलर ना लगे। उसके बाद मैं अपने हाथों के ऊपर ऐसे ग्लव्स अच्छी तरह से डाल लूँगी, ताकि मेरे हैंड्स के ऊपर भी कलर ना चढ़े। अब ब्रश की हेल्प से जस्ट आपको गाइस कलर लगाना है पूरे अपने बालों के ऊपर। मुझे मेरे रूट्स को भी कवर अप करना था, क्योंकि काफी डार्क लग रहे थे मेरे रूट्स, जैसे काले काले से बाल नहीं लग रहे थे वैसे, मुझे उसको थोड़ा सा कलर चेंज करना था। प्लस बीच बीच में ना कुछ कुछ वाइट हेयर्स, ग्रे हेयर्स भी थे, तो बस अच्छी तरह से मैंने ऐसे सेक्शन करती गई और बस कलर अप्लाई करती गई ब्रश की हेल्प से। आपने सिर्फ 30 मिनट्स के लिए कलर अपने बालों के ऊपर रखना होता है, एंड उसके बाद आपने जस्ट इसको पानी के साथ वॉश करना होता है, सिर्फ वाटर के साथ वॉश कर लो। एंड ये जो इसके साथ जो पोस्ट कलर आपको कंडीशनर मिलता है ना छोटे से पाउच में, आपने जस्ट उसको अप्लाई करना होता है। कंडीशनर लगा के आपने फिर से उसको एक बार पानी के साथ वॉश कर लो, अच्छी तरह से रिंस कर लो, एंड उसके बाद गाइस दैट्स इट, लुक एट द रिजल्ट। सिर्फ 30 मिनट्स में इतना अच्छा रिजल्ट, मुझे एक बिल्कुल ऐसा ही कलर चाहिए था। मेरे रूट्स जितने थे जो ग्रे एंड वाइट रूट्स थे बिल्कुल कवर अप हो गए, शेड बहुत सुंदर आया है, सनलाइट में ना बहुत अच्छा लग रहा था गोल्डन ब्राउन का। बाल इतने सॉफ्ट हो गए थे ना, इतने बाउंसी हो गए थे ना गाइज, नरिश्ड जिसको नहीं बोलते बिल्कुल वैसे हो गए थे मेरे बाल। मुझे फाइनल रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अच्छा, बिफोर एंड आफ्टर आप देख सकते हो बालों में कितना सुंदर गोल्डन ब्राउन
ब्राउन शेड आया ना, मुझे रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। आई वुड हाईली रिकमेंड। चलो जी, अब मैं फटाफट से रेडी हो जाऊंगी अपने वेडिंग फंक्शन के लिए। ओके गाइज, आई एम ऑल सेट ऑल रेडी। अब मुझे अटेंड करनी है वेडिंग। कैसा लग रहा है आपको मेरा पूरा लुक, आप मुझे कमेंट डाउन करके ज़रूर बताना। अगर मैं अपनी बात बताऊँ ना गाइज, तो मुझे ये वाला लुक बहुत पसंद आया। हेयर कलर इतना अच्छा लग रहा है ना, ये मेरे पूरे लुक के साथ मतलब कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। बहुत ब्यूटिफुल मेकओवर हुआ है सिर्फ 30 मिनट्स में, मैंने ये खुद ही कर लिया। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही। बाल एकदम सॉफ्ट बाउंसी नरिश नज़र आ रहे हैं। ये जो सुपीरियर नो अमोनिया फॉर्मूला है ना गाइज, इसके अंदर है कलर लॉक टेक्नोलॉजी एंड बहुत इजी और कन्वीनियंट है इसको यूज़ करना, अफोर्डेबल भी है। अब ये नरिशिंग परमानेंट कलर ना गाइज, ये 10 वीक्स तक लास्ट करेगा। गार्नियर कलर नेचुरल्स, प्राइस की बात करूँ ना गाइज, तो सिर्फ 199 रुपीज। प्रोडक्ट के परचेज लिंक्स मैंने आपको डाल दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अच्छा, अगर आपके एकदम डार्क हेयर है ना, तो ये उसके ऊपर भी कलर बहुत सुंदर दिखेगा, बहुत विजिबल होगा। एंड मुझे मेरा न्यू हेयर कलर बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है। आपको कैसा लगा कमेंट डाउन करके बता ज़रूर बताना। न्यू हेयर कलर, न्यू लुक एंड ओवरऑल ये मेकअप जो मैंने किया ना, उसके साथ ये कॉम्प्लीमेंट भी कर रहा है। मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, लव यू।